हेलो एवरीवन, इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं और यह सिर्फ इस सब्जेक्ट का VVI इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो 20 अगस्त 2023 को इसमें से क्वेश्चन ट्रेंड करेगा। अगर यह वीडियो देखने के बाद आप अधिकतर क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, राइट। तो यह वीडियो तमाम है, आपको हम बताते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है कि प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभी प्रेरित होते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, छात्र के अगेंस्ट में कभी नहीं जाना है। छात्र को अगर सजा देने की बात हो, छात्र को कोड़ी पट्टी समझने की बात हो, यह जो वर्ड है यह निगेटिव टैग वर्ड है, राइट। ऐसा कभी नहीं होगा, तो ए नहीं होगा। और आप जानते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन राइट है वह ग्रीन कलर से है, तो बी होगा इसका राइट जवाब। सीखना तब प्रभावित होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, राइट ना, इनर मोटिवेशन। और ऑप्शन नंबर सी है, बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं तो बच्चे सही से नहीं सीख सकते हैं। यहाँ डी में लिखा हुआ है, सीखने से में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा कोई बात नहीं है। जब बच्चे में जिज्ञासा नहीं रहेगा सीखने के रिलेटेड, तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे। अब क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, बच्चों के प्राथमिक वर्ष में विकास का क्रम क्या होता है। विकास का क्रम क्या होता है, तो इसका राइट जवाब ए फॉर अमेरिका होगा, सरल से जटिल की तरफ, राइट। अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं होता है, वैश्विक से स्थानीय की ओर नहीं होता है। अगर यही रहता सामान्य से विशिष्ट की ओर तो राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। तो अर्ली चाइल्डहुड राइट जवाब है, राइट। अब नेक्स्ट है 33 लिखा हुआ है, क्या वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अब समाज से अपनी भूमिका को सीखते हैं डैश कहलाती है। तो सोशलाइजेशन कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। और यह क्वेश्चन, इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा कि समाजीकरण का प्रथम एजेंट मतलब पहला एजेंट कौन सा है। तो आप रखिएगा घर, मतलब जो बच्चे से नज़दीक होता है, जैसे बच्चे से के नज़दीक सबसे पहला घर होता है, तो घर जो होगा या बच्चे का समाजीकरण का पहला एजेंट हुआ, समझ रहे हैं ना। और वही स्कूल का अगर बात करें, अगर स्कूल का बात करें तो यह समाजीकरण का द्वितीय एजेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, स्कूल होगा या मीडिया होगा, यह सब द्वितीय एजेंट में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा हुआ है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व का योग्यता आ जाती है। देखिए, जहाँ भी ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात होगा, वस्तु स्थायित्व यहाँ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यह सेंसरी मोटर स्टेज से रिलेटेड होता है। संवेदी चालक यह जन्म से 2 वर्ष तक का यह अवस्था होता है, राइट। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 होता है, और यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 से ऊपर तक होता है, राइट ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। बच्ची जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सूरज को सजीव मानती है, तो यह जीववाद होता है, जीववाद चिंतन है, क्या है, एनिमिस्टिक थिंकिंग है। आप याद रखिएगा, आप देखते होइएगा, बच्चे कहीं पे मान लीजिए अपने घर में गिरते हैं, तो उसका जो बड़े पेरेंट्स होता है या कोई भी घर का आदमी धरती को मारता है, तो बच्चा चुप जाता है, क्योंकि बच्चा जो है मतलब जीववाद नहीं कर पाता है, समझ रहे हैं ना। यह जीववाद ही चिंतन होगा और यह जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, राइट ना। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। देखिए, स्कीमा यह जो है, स्कीमा जीन पियाजे से रिलेटेड है, बाकी ZPD यहाँ पे लेव वाइगोस्की द्वारा है, पार लेव वाइगोस्की है, सामाजिक अंतःक्रिया लेव वाइगोस्की द्वारा है, तो स्कीमा ही राइट जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही है। तो ऑप्शन दिया हुआ, लिखा विद्यार्थी में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, सहयोग के बजाय बच्चे को पहले सहयोग देना चाहिए, राइट, तो एक रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, यह गलत बात है।
नेक्स्ट है उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान करना विद्यार्थी को पार आलम। देखिए जहाँ पे देखिए लेव वाई ओसी की बात हो रहा है, अभी ऊपर वाला ऑप्शन में आप देखे हैं पार देखे हैं, ZPD देखे हैं, MQO देखे हैं, यह सब जो है लेव वाई ओसी से रिलेटेड है, तो आपका C4 चेन्नई राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है, नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है, तो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना यही राइट होगा, बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है, बाध्य नहीं किया जाता है, बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं, यही बात सही है, और बाकी जो क्वेश्चन है पृथक्करण दिया हुआ है, इनाम को पाने के लिए सजा बचने के लिए कार्य करते हैं, ऐसा बात नहीं होता है, तो B4 Bombay राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है हावर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है, और यह तीनों बुद्धि जो है यह नहीं है हावर्ड गार्डनर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत को हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, इसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना है, नकारना भी नहीं है, बच्चों को दंडित भी नहीं करना है, तो ए इज राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा, यह क्या दर्शाता है, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दर्शाता है, मतलब जेंडर प्रारूप, समझ रहे हैं ना, अगर बात आ जाएगा कहीं पर लड़के को ज़्यादा मान्यता दी जाएगा लड़की को कम, तो वहाँ पे हो जाएगा जेंडर समानता राइट, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है क्या एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थी के सीखने सिखाने के प्रक्रिया क्या कहलाता है, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया कहलाता है विभेदित निर्देश कहलाता है, तो राइट जवाब A4 America हो जाएगा। नेक्स्ट है लिखा हुआ है सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है, सहयोगात्मक परियोजना कोलैबोरेटिंग प्रोजेक्ट जो है राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, तो ए इज द राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि जरूरतों व परिवेश की भिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है, तो समावेशन हो जाएगा राइट जवाब, नामीकरण पृथककरण नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं, बहिष्करण नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है, केवल प्रभावी संस्कृति को त्यौहार मनाना, केवल जानते हैं ना केवल अपने आप में निगेटिव टैग वर्ड है, तो C4 Chennai राइट जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों की कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे हैं, पठन वैकल्य, इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिसलेक्सिया डिसेबिलिटीज किसी के पास रहेगा तो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, जैसे देखिए यहाँ लिखा रहेगा वाद, क्या है वाद, तो बच्चा इसको पढ़ देगा सौ, क्या पढ़ देगा SAW 100, उसको प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया। अगर इसको बता देते हैं, अगर बच्चे को आप कहिएगा जैसे देखिए 2+2 क्या, 2+ इसको एक मिनट, 2+4 क्या होता है, तो बच्चे बता देगा 6 होता है राइट, और इस प्रकार का क्वेश्चन अगर बच्चा ना बता पाता है तो उसको डिसकैलकुलिया लर्निंग डिसेबिलिटीज है, जिसको कहते हैं गुणज वैकल्य राइट, इसका राइट जवाब बी है, इसको बता रहे हैं लेखन वैकल्य होता है डिसग्राफिया,
जिसमें बच्चा को कहिएगा लिखने के लिए वाज, तो बच्चा लिख देगा सौ, समझ रहे ना, सौ लिख देगा। तो यह है डिसग्राफिया से रिलेटेड। और श्रवण बाधित यह एक अलग कंसेप्ट है। नेक्स्ट है 49, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। श्रवण बाधित मतलब बच्चे, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उसके लिए कौन सा सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो श्रव्य किताब, जो बच्चा सुन नहीं सकता है उसको आप बोलने वाला किताब दीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वह सुन ही नहीं सकता है। उसको आप दीजिए ब्रेल स्क्रिप्ट से बना बुक। ब्रेल स्क्रिप्ट 6 डॉट पर आधारित होता है गाइस, याद रखिएगा। इसका प्रतिपादन लुइस ब्रेल किए हुए हैं, जो फ्रांस के रहने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। इस बात को याद रखना है और बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है क्या। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार से प्रश्न पूछने चाहिए। सृजनात्मक बच्चों की पहचान करना है तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो यह रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, रिक्त स्थान वाले पूर्ति वाले क्वेश्चन आप पूछिएगा तो मतलब एक शब्द में आंसर हो जाएगा गाइस। सही मिलान करने वाले शब्द, यह भी एक शब्द में हो जाएगा। सही गलत और उत्तर वाले, यह जो होता है ट्रू फॉल्स वाला, यह नहीं होगा। सृजनात्मक बच्चे की पहचान करना है आपको तो आपको खुले जवाब ओपन एंडेड वाला क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, जिसका एक से अधिक जवाब होता है। ओपन एंडेड को समझ लीजिए, यह इसका राइट जवाब डी फॉर डेनमार्क ही हो जाएगा राइट, लेकिन ओपन एंडेड यहाँ लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ओपन एंडेड का मतलब होता है जिस क्वेश्चन का जवाब खुला हो, मतलब एक से अधिक हो। जैसे मैं आपको कहूँ सीटेट क्या है, सीटेट पास करने के बाद आप क्या बनाएंगे, तो आपका उत्तर आएगा केवल टीचर। क्या आएगा, टीचर क्या आएगा, टीचर राइट। और यही मैं आपको बोलूँ, यह जो है क्लोज इंडेड क्वेश्चन है गाइस, यह क्लोज इंडेड क्वेश्चन हुआ। अगर मैं कहूँ कि टीचर बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो टीचर बनने के बाद आप अनेक काम कर सकते हैं, यह हो गया ओपन इंडेड का क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस डे लिखा हुआ है क्या, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए, ऐसा ना। देखिए हम आपको एक ही बात बताएं, अगर आपको सीटेट पास करना है तो बच्चे को आप एक प्रकार का छोटा भगवान मान लीजिए। बच्चे को ना कभी दंड देना है, ना उसका जो नज़रिया होगा, सोच होगा, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसे नकारना है गाइस, यह सब निगेटिव टैग वर्ड है। उनकी उपेक्षा भी नहीं करना, उन्हें आगे बढ़ाना है। तो सी फॉर चेन्नई राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस डे लिखा हुआ है क्या, बच्चे कैसे सीखते हैं चीज़ों को बनाकर व कार्य कर। सही बात है, पढ़कर व लिखकर, यह भी सही है। बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन कर। फोर मतलब 1, 2, 3, 4 सब सही है, तो डी फॉर डेनमार्क राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे। तो शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरित पर बल देता है, यह गलत बात है, निष्क्रिय स्थानांतरित नहीं होगा। नेक्स्ट है शिक्षक मान्यता है कि केवल, देखिए केवल आपको बताए हुए हैं, नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको सही नहीं करिएगा आप लोग। शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करता है, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम निगेटिव टैग वर्ड है, तो सी फॉर चेन्नई राइट जवाब हो जाएगा। शिक्षक बच्चों की उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक बच्चों के अनुभव को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है। अपनापन राइट जवाब हो जाएगा। हीनता नहीं, क्रोध नहीं, अलगाव नहीं, तीनों निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है, तो तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग से जो है बेहतर होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट, कार्यात्मक स्थिरता, गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस डे लिखा हुआ है क्या, बच्चे की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ होता है, क्या होता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक नहीं और लाभदायक रहता, तो यही राइट जवाब हो जाता आपका। तो यह ए राइट रॉन्ग जवाब, बच्चों की अविवेकी चिंतन को दर्शाता है, बच्चों की अविवेकी चिंतन को नहीं दर्शाता है, बच्चों की विवेकी चिंतन को दर्शाता है, तो बी इज रॉन्ग जवाब।
बच्चों की सोच को में झांकने में के अर्थपूर्ण मौके देते हैं तो सी फॉर चेन्नई राइट जवाब हो जाएगा। वयस्कों से उनकी हीनता दर्शाती है, हीनता नहीं दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है क्या, डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं है। ऊब क्या है, ऊब एक निगेटिव टैग वर्ड है, बाकी सभी जो है पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन पूछा है निगेटिव, तो निगेटिव का भाई निगेटिव। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, लिखा हुआ क्या, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। बच्चे में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए, नहीं, बच्चे में सजा का डर पैदा नहीं करना है, इससे अधिगम खराब होगा। इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली होता है, इनाम व सजा बारंबार बच्चे को नहीं देना है। तो दोनों गलत है, अभी कथन भी गलत है और रीजन भी गलत है। तो डी फॉर डेनमार्क राइट जवाब होगा। कैसा रहा स्कोर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब इस यूट्यूब चैनल को कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।